नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इस दिवाली पर सरकार का एक बड़ा ऐलान, अब सरकार संविदा प्रथा को ख़त्म करके उन सभी कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है। सरकार संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करेगी, इससे संविदा कर्मचारियों में बड़ी खुशी की लहर जागी है। दोस्तों, यह अपडेट किस राज्य की है, किस राज्य की सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है, आगे इस वीडियो में सारी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे इस चैनल पर संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उस अपडेट की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेगुलाइजेशन न्यूज़ संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस दिवाली पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, अब सरकार संविदा प्रथा का अंत कर रही है, यानी अब सभी कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। इससे संविदा कर्मचारियों में ज़बरदस्त खुशी की लहर है। सरकार ने किया एक बड़ा ऐलान। दरअसल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने जन्मदिन के पहले प्रदेश से संविदा प्रथा का अंत करने की घोषणा की। सरकार ने राज्यवासियों को दिवाली का बड़ा तोहफा देते हुए ऐलान किया है कि अब प्रदेश में कोई भी संविदा पर काम नहीं करेगा। इसके तहत सभी जितने भी संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उनको नियमित कर दिया जाएगा। राज्य के 57,000 से अधिक संविदा कर्मचारी होंगे नियमित। नवीन पटनायक दिवाली से पहले ऐलान करते हुए कहा है कि ओडिशा से हमेशा के लिए संविदा नियुक्ति प्रथा का अंत कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा में संविदा भर्ती पर रोक लगा दी जाएगी। इस घोषणा के बाद प्रदेश के अलग अलग सरकारी संस्था में संविदा पर नियुक्त 57,000 से अधिक कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त 1300 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर दिवाली से पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान किया। इन्होंने घोषणा की है कि राज्य में संविदा प्रथा को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों, इन्होंने ट्विटर पर भी जानकारी दी है, आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट ऑब्लाइज कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट इन द स्टेट, ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज विल बी द रेगुलाइज अनाउंस चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। दोस्तों, आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं यहाँ पर, यह यूनियन इनके द्वारा ट्वीट किया गया है कि 15 अक्टूबर 2022 को यह ट्वीट किया गया है। ANI न्यूज़ के द्वारा यह ट्वीट किया गया और बताया गया है कि जो उड़ीसा में संविदा पर कर्मचारी कार्यरत कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग 57,000 की संख्या में अन्य अलग अलग विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या हर राज्य सरकार को इस तरीके से संविदा कर्मचारियों को नियमित कर देना चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे कि हमारे इस चैनल पर संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।